हर मरीज की कुछ ना कुछ क्वेरी होती है, जितने भी मरीज होते हैं सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, कुछ संशय होता है कि ये मेरे को फलानी समस्या है क्यों हुई, या इतने लंबे समय से बार बार क्यों हो रही है। तो आज हम थोड़ा सा अलग पैटर्न पे आज बात करते हैं। आज मेरे साथ मेरे क्लिनिक पे वीरेंद्र भूटानी जी हैं, जो बेसिकली हरियाणा से रहने वाले हैं, और आज इनकी कुछ समस्याएं हैं, इस पे वो मुझसे कुछ सवाल करेंगे और उसका मैं जवाब भी दूंगा। खांसी तो नहीं है, मगर डेली मुझे 4 या 5 बार ना कफ आता है बाहर, जैसे मैं हिकअप को लेता हूँ, जैसे करता हूँ तो जी मैं खांसी करता हूँ, बलगम बाहर आ जाता है। तो सर ये बलगम डेली बनता क्यों है ये, और डेली खांसी क्यों आ रही है मुझे, इसका कारण क्या है? क्या कभी मैं पानी अच्छा नहीं पी रहा हूँ इसकी वजह से है? कभी कभी क्या होता है कि मैं कोई बिस्कुट खा रहा हूँ तो क्या क्रीम वाला बिस्कुट होता है उसके खाने जी से तुरंत मुझे छींक आ जाती है, या मैंने मूंगफली का फली फली खाई है वो जी उतार कर खा, जी तो उसकी वजह से मुझे खांसी या यानी छींक आ जाती है। जी ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से छींक आ ही जाती है। तो क्या वो चीज़ें खाने बंद कर दूँ क्या? इसको आप ऐसे समझें कि जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम होता है, हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, कि यहाँ मैंने एक चाय का गर्म कप रखा, थोड़ी देर बाद में वो चाय का कप ठंडा हो जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। यानी कि प्रकृति जो है वो लगातार हर चीज़ का टेम्परेचर बराबर और सामान्य करने की सतत प्रयास में लगी रहती है, और जब ये प्रकृति सबका टेम्परेचर बराबर करने की कोशिश में लगी रहती है तो हमारा भी करेगी। लेकिन हमारे शरीर का जो तापमान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिसाइडेड है कि ये इतना टेम्परेचर रहेगा तो शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। अब मौसम का जो तापमान है वो इससे कुछ कम है, तो मौसम लगातार अपनी ठंडक और नमी हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा शरीर चूंकि गर्म है तो मौसम की नमी और ठंडक को लगातार सोखता रहता है। अब ये नमी और ठंडक जब शरीर में अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो किसी तरीके से तो उसको बाहर निकालना है, तो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर के इस शत्रु को बाहर फेंकने का काम करती है। वो कैसे फेंकेगी? सर्दी और कफ के माध्यम से। आपको खांसी होगी और खांसी के साथ में कुछ बलगम बाहर आ जाएगा। जिन लोगों का शरीर जितना ज़्यादा गर्म होगा उनको उतनी ज़्यादा सर्दी की समस्या बार बार होती है। ठीक है, अब शरीर किसी का ज़्यादा गर्म है किसी का कम गर्म है क्यों, ये हमारे मानसिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। हमको अगर एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो हमारा शरीर ज़्यादा गर्म रहेगा। हम पानी कम पीते हैं, पेशाब रोकने की हैबिट है, तो हमारा शरीर ज़्यादा गर्म रहेगा। पानी हम अगर सामान्य तौर पर जैसे कि प्रति 20 किलोग्राम 1 लीटर पानी, जैसे आपका वज़न अगर 40 किलो है तो आपको 2 लीटर पानी पीना है, इस तरीके से अगर हम अपने शरीर का तापमान मेंटेन करते हैं, बॉडी का हमारा 70% पार्ट जो है पानी से बना हुआ है, अब ये 70% से 10% नीचे यानी 60% तक हो जाए या 10% ऊपर 80% तक हो जाए तब तक शरीर को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे न्यूट्रिशंस को डिजोल्व करके निकालने लगता है। अगर इससे कम हो जाएगा तो जो मेटाबॉलिक कंडीशन होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी स्पॉन्जी ऑर्गन्स जिसमें पानी भरा होता है उसमें से पानी खींचने लगता है। जब उसमें से पानी खींचने लगता है तो फिर शरीर के बाकी अंगों में पानी की कमी होती है। अब मैं आपको एक पुरानी घटना बताता हूँ जिसको लोग वहम समझते हैं, लेकिन ये वहम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है जो हमारे पुराने साइंटिस्ट लोगों ने, यानी कि हमारे साइंटिस्ट कौन थे, ऋषि मुनि, जो आश्रमों में रह करके हजारों हजार साल उन्होंने तपस्या करके यानी कि अपनी रिसर्च करके शरीर और प्रकृति के सामंजस्य को बताया कि हमारे शरीर प्रकृति के हिसाब से कैसे स्वस्थ रहे। अब इस चीज़ में हम देखते हैं कि जब घर से बाहर निकलते थे और किसी को छींक आ जाती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अरे रुक जा, अपशकुन हो गया है, बैठ पानी पी और फिर जा। तो ये पानी पी क्यों? पानी पीने से क्या अपशकुन टल जाएगा? ये अपशकुन जैसी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर मेटाबॉलिज्म को बराबर बनाए रखने के लिए स्पॉन्जी ऑर्गन से पानी खींच लेता है। तो सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी ऑर्गन है लंग्स, सबसे ज़्यादा पानी उसी में भरा होता है, तो जैसे ही लंग्स से पानी खींचता है तो उसमें वेपर फॉर्म होती है, भाप बनने लगती है, और जैसे वो भाप बन करके साइनसेस को ब्लॉक करती है तो फटाक से छींक आ जाती है। ये एक अवस्था है छींक की, तो जैसे ही छींक आती है साइनस खुल जाता है और वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो घर से निकलते समय जब बुजुर्ग बोलते थे कि आप 2 मिनट रुको पानी पियो फिर जाओ, यानी कि जब आप पानी पी लेते हैं बॉडी में वाटर रिचार्ज हो जाता है तो आपके शरीर में छींक आना बंद हो जाती है या अचानक से छींक नहीं आती है। मतलब चूंकि उस समय वो जानते थे कि ये बंदा बाहर जा रहा है
और इसको बाहर पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा और पानी की कमी से कहीं इसको कोई शरीर में समस्या ना आ जाए, इसलिए उन्होंने वहम का एक तरीके से अपशगुन का एक बहाना बनाया। लेकिन ये पूरी तरीके से एक वास्तविक चीज़ है और एक साइंटिफिक चीज़ है जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यानी ऋषि मुनियों ने बरसों बरस खोज करके शरीर में कई सारी चीज़ें निकाली। इसी तरीके के बहुत सारी वहम है जिसके ऊपर अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो समस्या है आपकी कि छींक और कफ क्यों होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है कि पानी की कमी। जब भी शरीर में पानी की कमी होगी तो शरीर में कफ बनना चालू हो जाता है। दूसरा, अगर आप गुस्सा जैसे ज़्यादा कर रहे हैं, जब गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो भी वो जो क्रोध है आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। लिवर फंक्शन जब बढ़ेगा तो शरीर में एसिड ज़्यादा बनेगा, एसिड ज़्यादा बनेगा तो वो पानी को गलाएगा, जला देगा, तो शरीर में पानी कमी होगी और फिर कफ जनरेट होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि लगातार आप पानी की व्यवस्था शरीर में बना के रखें। अगर आपके शरीर में एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पियेंगे तो टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा, कफ कम जनरेट होगा।